प्यारे बच्चों, हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, हाउ सईदा ड्रीम केम ट्रू। सईदा ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा कैसे हुआ, आज हम थर्ड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। इन द इवनिंग व्हेन हर ब्रदर सैट टुगेदर टू स्टडी, शी यूज्ड टू स्टैंड बिहाइंड द डोर टू लर्न देयर लेसन। तो पहले हम मानी देख लेते हैं। इवनिंग कहते हैं शाम को, जब सूरज गरूब हो जाता है तो उसको इवनिंग कहते हैं। ब्रदर्स, आप पहले भी इसका मानी पढ़ चुके हैं, ब्रदर्स कहते हैं भाइयों को। और सेट, सिट होता है बैठना, और सेट पास्ट टेंस है बैठना, सेट। और टुगेदर इकट्ठे बैठना, जब उसके भाई पढ़ने के लिए इकट्ठे बैठते थे, और वो कहाँ क्या करती थी, स्टडी कहते हैं पढ़ाई करने को। तो वो स्कूल से वापस आके भाई स्टडी के लिए बैठते थे। यूज टू होना आदि हो जाना। तो सईदा क्या करती थी, स्टैंड खड़ी हो जाती थी, कहाँ पे, बिहाइंड कहते हैं किसी के पीछे, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, पोजिशन का बताती है। डोर कहते हैं दरवाजे को, तो वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती थी, किस लिए, लर्न सीखना, किसी चीज को सीखने को लर्न कहते हैं। और देयर उनके, यानी वो अपने भाइयों के जो वो पढ़ रहे होते थे उसको सीखने के लिए दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती थी। लेसन कहते हैं सबक को, यानी वो उनका सबक सुनती थी और उससे सीखती थी। शाम में जब उसके भाई लिखने इकट्ठे बैठकर पढ़ते तो वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनका सबक सीखती। नेक्स्ट लाइन है, इन दिस वे शी गॉट हरसेल्फ एबल टू नो द बेसिक्स ऑफ एजुकेशन। वे कहते हैं तरीका, यानी वो इस तरीके से उसने सीख लिया। तो तरीका एक होता है रास्ता। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने हर वक्त दो रास्ते होते हैं, या हम सच के रास्ते पे चलें या हम झूठ के रास्ते पे। तो अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लाम जो है वो एक तरीका है जिंदगी गुजारने का, कि हम कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते पीते हैं। तो अगर हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो हमें अल्लाह की बातों को भी मानना चाहिए और इस्लाम को पूरे तरीके से अपनाना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को नजात। तो गॉट है मिल गया, ठीक है, कोई चीज पा लेना। हर सेल्फ अपना आप। तो एबल कहते हैं काबल, अहल। तो उसने, सईदा ने क्या किया, उसने अपने आप को इस काबिल बनाया। नो के एन ओ नो का मतलब होता है जानना। आप देखें कि इस लफ्ज में के लिखने में तो लिखा जाता है, बोलने में पढ़ा नहीं जाता। तो ऐसे लेटर्स को साइलेंट लेटर्स कहते हैं, यानी जो देखने में तो नजर आते हैं लेकिन सुनने में उनकी आवाज नहीं आती। तो नो जो है इसमें के साइलेंट है। तो बेसिक कहते हैं बुनियादी। और एजुकेशन का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, तालीम होता है। और एजुकेशन जो है वो तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें आती हैं, यानी जो हम लिखना पढ़ना सीखते हैं उसके मुताबिक अपने इखलाक को संवारना भी तालीम के ज़ुमरे में आता है। इस तरीके से उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि बुनियादी तालीम सीख सके, यानी उसने दरवाजे के पीछे खड़े होकर भाइयों का सबक सुन सुन के अपने आप को इस काबिल बना लिया। At night when everyone went sleeping, she practiced writing in her copies. At night, night कहते हैं रात को, जब अंधेरा छा जाता है और हम सो जाते हैं। Everyone, यानी उसके घर में उसके माँ बाप भी उसके भाई भी जब सो जाते थे, went जाना, तो वो क्या करती थी, वो अंधेरे में बैठकर प्रैक्टिस करती थी, यानी जब सब सो जाते थे। स्लीपिंग कहते हैं सोने को, और प्रैक्टिस कहते हैं मश्क करना। किस चीज़ की मश्क करती थी, लिखने की। राइटिंग कहते हैं लिखने को, राइटिंग कहते हैं लिखने को। तो वो सुन के सबक याद करती थी और जब सब सो जाते थे तो
लिखती थी। रात के वक्त जब सब सो जाते थे वो अपनी कापियों पर लिखाई की मशक करती थी। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह सईदा ने अपना तरीका अपनाया, अच्छे अच्छे तरीके सोचना आपका काम है, उन पर अमल करना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।